जय हिंद दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन था क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया और सक्सेसफुली इसको अर्थ के ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दिया गया। अगले कुछ हफ्ते इस मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि चंद्रयान 3 कई इंपॉर्टेंट स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा और अल्टीमेटली इस मिशन को सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया जाएगा। अभी तक डेफिनेटली आपने इस मिशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली होंगी, कुछ टेक्नैलिटीज भी जान ली होंगी। आज के सेशन पे उन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करके हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि किस तरह से एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी भी चंद्रयान 3 मिशन की जर्नी की तरह ही है। जिस तरह से अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होते हुए चंद्रयान 3 मिशन अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, वैसे ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी अलग अलग स्टेजेस के थ्रू, जो कि कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के प्रोसेस से आप कोरिलेट कर पाओगे आज के सेशन में और कई तरह की चीजें सीख पाओगे, आप फाइनली अपने जो सिविल सर्वेंट बनने वाला एम है वहां तक पहुंचोगे। किस तरह से समझते हैं, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, कई चीजें आप सीखोगे, तो आपको ध्यान से सुनना आज का सेशन। सबसे पहले तो जो आपने कल ये लॉन्च व्हीकल, जिसको आप नॉर्मली रॉकेट बोलते हो, वो देखा होगा, ये लॉन्च हुआ है, तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक टेक्नैलिटीज एक बार जान लेते हैं। आपको पता ही होंगी बट जानना जरूरी है, तभी आप खुद को इस मिशन के साथ कोरिलेट कर पाओगे। तो यहां पर आप उस लॉन्च व्हीकल की एक डिटेल्ड पिक को देख रहे हो जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहले इस लॉन्च व्हीकल का जो नाम है वो LVM-3M4 व्हीकल, जो कि आपको डेफिनेटली पता होगा। जो स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 है वो बेसिकली इस रॉकेट के, इस लॉन्च व्हीकल के अगले हिस्से में होता है। पिछला जो निचला हिस्सा है वो बेसिकली फ्यूल से भरा हुआ हिस्सा होता है। अलग अलग स्टेजेस होती हैं कि पहले ये जो साइड पे बूस्टर्स हैं, पहले इसके अंदर जो फ्यूल है वो यूज किया जाएगा, उसके थ्रू इस व्हीकल को ऊपर पुश किया जाएगा, उसके बाद जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये जो आपका जो सेकेंड स्टेज होती है L110 लिक्विड स्टेज, जो हम नाम दे रखा है, फिर इसका फ्यूल यूज किया जाएगा, उसके बाद जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये जो स्टेज है ये अलग हो जाएगी या ये पार्ट अलग हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्रायोजेनिक स्टेज इन यूज आती है, तो उसके बाद जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगी। बेसिकली ये पिछला हिस्सा तो इस स्पेसक्राफ्ट को एक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और यहां जो आप फोटो देख रहे हो वो है चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट की फोटो। अब इसके अंदर भी आप देखोगे दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है लैंडर मॉड्यूल। जो चंद्रयान 3 मिशन में कहा जा रहा है कि चांद के ऊपर लैंड किया करवाया जाएगा एक रोवर को, वो इस मॉड्यूल के थ्रू करवाया जाएगा। बट इस मॉड्यूल को वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये प्रोपल्शन मॉड्यूल। जो ये निचला हिस्सा है रॉकेट का, इसने पहुंचाया इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में। अब उससे आगे जो मून के अराउंड ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करना है वो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल ने करना है, और उसके बाद जब चांद के ऊपर तकरीबन 100 किलोमीटर की हाइट पे ये स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट कर रहा होगा, तो उसके बाद ये लैंडर मॉड्यूल इस प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और ये लैंडर मॉड्यूल फिर फाइनली लैंड करेगा मून के ऊपर, और इस लैंडर मॉड्यूल के अंदर से निकलेगा रोवर, जो कि फाइनली हमारा चंद्रयान 3 का मिशन है, जो उसने आगे अपनी एक्टिविटीज करनी है, जो भी वहां पर जाके कुछ इन्वेस्टिगेट करनी है चीजें, वो उस रोवर का काम है। और जो वो रोवर लैंड करेगा चांद के ऊपर उसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान का क्या मतलब होता है? विजडम, बहुत ज्यादा ज्ञान। और आपको प्रज्ञान ही बनना है अपनी यूपीएससी की जर्नी में। आप अपने आप को ये इमेजिन कर सकते हो कि जो इस लैंडर मॉड्यूल के अंदर रोवर मॉड्यूल है प्रज्ञान, वो आपको बनना है। और वो कैसे बनोगे? वो इस चंद्रयान मिशन की जो जर्नी है उसी से ही हम कोरिलेट करेंगे। तो लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल तो आपने समझ लिया कि वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट हो रहा है, बट प्रोपल्शन मॉड्यूल कौन है? प्रोपल्शन मॉड्यूल है आपके टीचर्स, आपका कोई मेंटोर, आपको जो पीरियोडिकली गाइड करते रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स, जिनकी सपोर्ट, जिनकी गाइडेंस से आप ये पूरी की पूरी जर्नी जब आपने प्रिपरेशन करनी शुरू की वहां से लेके जिस दिन आप सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्रैक करोगे, जिनकी सपोर्ट से ये पूरी जर्नी आप कवर करोगे, वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल।
और इनका साथ पूरी जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा ही रहेगा। अगर इनका साथ नहीं होगा तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, और आप इस सेशन के थ्रू ये चीज समझ भी लोगे। कैसे, उसको भी समझते हैं एक बार। अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया था, पूरा ये लॉन्च व्हीकल है, जब इनिशियली इग्निशन हुआ ये ऊपर उठा, जो ये साइड पे रॉकेट बूस्टर्स आप देख रहे हो दोनों साइड पे, इनको यूज करके हुआ। जब इनका काम खत्म हो गया तो ये सेपरेट हो गए। अब जब आप अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारी मिथ्स का आपके दिमाग पे बोझ होता है, कई तरह के एक्सपेक्टेशन प्रेशर होते हैं, कई ये प्रेशर होते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कई आपके दिमाग के ऊपर बुक्स एंड रिसोर्सेज के प्रेशर होते हैं कि इतना सारा मटेरियल है, मैं कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ, मतलब क्लैरिटी नहीं होती, सिलेबस का बोझ, ये सब चीज़ें। जब आप अपनी एक जर्नी शुरू करते हो, अगर आप सही तरीके से जर्नी शुरू करोगे, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, ये जो फालतू के दिमाग पे बोझ हैं इनको हटाना। अगर ये बोझ ही नहीं हटे तो उस केस के अंदर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वापस नीचे ही गिरोगे। तो जैसे कि अभी आप लॉन्च व्हीकल के अंदर देख रहे हो कि जब जिस चीज का यूज हो गया उसको हटा दिया गया, ऐसे ही जब आप अपनी इनिशियल जर्नी शुरू करते हो तो सबसे पहला काम होता है अपने दिमाग से फालतू की मिथ्स को हटाना। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर या कोई भी आपको जो गाइड कर रहा है, उसके थ्रू आप उन मिथ्स को अपने दिमाग से पहले तो हटाते हो, उसके बाद सिलेबस को एनालाइज करते हो, उसके थ्रू कई और चीजें आपको क्लियर होती हैं, फिर आप PYQs को एनालाइज करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो, वहां से आपको पता चलता है एक्चुअल पिक्चर है क्या, एक्चुअली UPSC आपसे डिमांड करता क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सही गाइडेंस लेके आप अपने जो पहले आपके दिमाग पे इतना होता है बोझ, बुक्स एंड रिसोर्सेज का पता नहीं क्या कुछ है, वो फालतू का बोझ हटा के एक फाइनली अपने बुक्स एंड रिसोर्सेज की एक कंसाइज लिस्ट फाइनल करते हो। सो आप क्या करते हो इस प्रोसेस के थ्रू, फालतू का जो बोझ है, मिथ्स का बोझ, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस का बोझ, अननेसेसरी रिसोर्सेज का बोझ, वो हटाते 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 एक स्ट्रीमलाइंड फेज में आते हो, तब आपकी असली प्रिपरेशन जर्नी शुरू होती है। अगर आपका ये फालतू का बोझ ही नहीं हटा, जैसे यहां पर लॉन्च व्हीकल ने जब जिसकी जरूरत थी यूज करके उसका फालतू का वजन हटाया ताकि वो एफिशिएंटली आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके, तो ऐसे ही अगर आपने फालतू की चीजों का बोझ नहीं हटाया प्रिपरेशन शुरू करने के टाइम पे, तो आपकी आगे की जर्नी सही नहीं जाने वाली, वापस आपकी क्रैश लैंडिंग ही होगी। सो सबसे इनिशियल चीज जो होती है वो ये होती है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। अब एक बार जब आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया, PYQ एनालाइज कर लिए, बुक्स एंड रिसोर्सेज अपने फाइनलाइज कर लिए, अब उसके बाद कौन सी आपकी स्टेज आती है, चंद्रयान 3 की वो स्टेज जो अर्थ के ऑर्बिट में इंजेक्ट होने के बाद होती है। अब पिछला जो फेज हमने डिस्कस किया है उसके बाद बेसिकली आप अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में इंजेक्ट हो चुके हो, जैसे कि चंद्रयान 3 इंजेक्ट हो चुका है। अब आगे का काम क्या होना है, अब आपने वो बुक्स एंड रिसोर्सेज को पढ़ना है, अपने विजडम को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और वो बढ़ाना किस लाइंस पे है, जो कि हमने देखा कि PYQs के अंदर UPSC आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। तो जैसे चंद्रयान 3 जब एक बार अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में इंजेक्ट हो गया, तो जैसे जैसे पीरियोडिकली उसने यहां पर आके एक फायरिंग करनी है प्रोपल्शन मॉड्यूल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब उसका काम है इसको आगे चांद तक पहुंचाना, तो वो क्या करेगा, फिक्स टाइमिंग पे आके यहां पर फायरिंग करेगा, तो अपने ऑर्बिट को बढ़ाता चला जाएगा, धरती से दूरी अपनी बढ़ाता चला जाएगा ऑर्बिट में। ऐसे ही आप सही बुक्स एंड रिसोर्सेज को सही स्ट्रेटेजी के साथ सही एक टाइम टेबल बना के अपनी प्लानिंग बना के कवर करते चले जाओगे, तो उस केस के अंदर आप अपनी विजडम का लेवल, जो कि UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो। आपका विजडम का लेवल पहले बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे था, तो उसको आप उसके रेफरेंस में बढ़ाते चले जा रहे हो। और एक और चीज जो आपको यहां समझनी जरूरी है कि ये जो आपका ऑर्बिट का साइज है, ये तभी बढ़ता चला जाएगा अगर आप अपनी पीरियोडिक रिवीजन रखोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको तो लग रहा होगा कि मेरा ऑर्बिट का साइज बढ़ता जा रहा है, बट एक्चुअली में तो आप वहीं के वहीं खड़े होगे, क्योंकि आप रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि पिछला जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, जब तक उसको रिकॉल नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तब तक
आपकी ये ट्रेजेक्ट्री नहीं चेंज होगी। सो रिविजन बाई डिफॉल्ट इस पूरी जर्नी का एक इंटेग्रल पार्ट है, चाहे आप इसकी बात करो, चाहे इस फेज की बात करो, चाहे इस फेज की, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिविजन बाई डिफॉल्ट आपके साथ में चलेगी चलेगी, अदरवाइज ये चीज ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो एक बार जब आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो उसके बाद आपकी कौन सी स्टेज आ जाएगी, ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी वाली। अब इसमें क्या कर रहे हो कि आपने अपना जब सिलेबस कवर किया, उसके बाद आप PYQs अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, मतलब सीधा आप किसी टेस्ट सीरीज पे या किसी रैंडम क्वेश्चन बैंक पे ना जाके अपने PYQs जो UPSC ने एक्चुअली पूछ रखे हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। सो ये फेज है आपका वो PYQs वाला। यहां आपने सिलेबस अपना कवर किया था, बुक्स को कवर किया था और रिसोर्सेज को कवर किया था, और यहां अब आप अपने PYQ अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। सो जब आप अपने PYQ अटेम्प्ट करोगे, तो आप देखोगे, ये चीज महसूस करोगे कि जो मून है, मून क्या है आपके लिए, आपका गोल, आपका एम, मतलब जो सिविल सर्वेंट आपने बनना है, IAS IPS कुछ भी बनना है, वो बेसिकली आपके लिए आपके केस में मून है। सो आप देखोगे कि वहां तक पहुंचने में अभी मेरा काफी गैप है। सो जैसे कि चंद्रयान 3 ने जब लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के बाद चांद के अराउंड अपना एक ऑर्बिट पकड़ना है, तो वो एक इस तरह से पकड़ना है, मतलब अभी चांद से उसकी दूरी ज्यादा होगी। ऐसे ही अभी आप महसूस करोगे PYQ को अटेम्प्ट करने के बाद कि भाई अभी आपके मिशन से आपकी दूरी ज्यादा है, क्योंकि अभी गैप्स हैं। सो वो गैप्स कैसे फिल करने हैं, ये देख के कि भाई मैंने अपनी इनिशियल इस प्रिपरेशन में क्या कुछ अभी मिस किया है, उनको मुझे अभी कवर करना है। सो उन कमियों को वापस रिसोर्सेज पे जाके फुलफिल करोगे कि किस तरह के PYQs मुझसे नहीं हो पाए, या किस तरह की चीजें मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने PYQs पहले भी एनालाइज किए थे। तो वो थोड़ा गैप तो आएगा ही आएगा, चाहे आप PYQs पहले भी एनालाइज कर लो, बट स्टिल गैप आएगा। बट उस गैप को अब आपको फिल करना है, तो आप फिल करने की कोशिश करोगे। अगर आपने ये कोशिश नहीं की, तो ये समझ लो आपकी ये दूरी आपके मिशन से बनी रहेगी, फिर आप कहते हो मैं अपना मिशन अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा हूं। सो आपने थोड़ी सी कमी पूरी की, आप इस ऑर्बिट में आ गए, फिर और कमी पूरी की, फिर यहां आ गए। उसके बाद मान लो जब आपने PYQs पूरे कर लिए, फिर आपने कोई एक रियलिस्टिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, रियलिस्टिक क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी शुरू की। रियलिस्टिक क्यों बोल रहा हूं, रियलिस्टिक का मतलब है कि वो PYQs जैसे ही हों। अगर वो PYQs जैसे नहीं होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आप उनसे प्रैक्टिस तो कर रहे होगे, बट हो सकता है आप वापस से अपना ऑर्बिट दूर पहुंचाना शुरू कर दो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपको एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि आप सही रास्ते पे जा भी रहे हो या नहीं जा रहे, क्योंकि आपको तो उस रास्ते पे जाना है जहां पे एक्चुअली जिस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछता है, आप उनमें एक्सेल कर पाओ। सो PYQs के अंदर इंप्रूवमेंट की, फिर प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू इंप्रूवमेंट की, और अपने ऑर्बिट को छोटा करते चले गए, और फाइनली आप ये जो 100 किलोमीटर वाला ऑर्बिट है मून के अराउंड, आपके मिशन के अराउंड, यहां पर आप पहुंचोगे। और इस ऑर्बिट में जाके प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है आपके टीचर, आपका कोई मेंटोर या जिससे आपने कोई गाइडेंस पीरियोडिकली ली है, आपके पेरेंट्स जिनका साथ आपकी पूरी जर्नी में रहा है, उनकी सपोर्ट की वजह से ही आप पहले इन ऑर्बिट्स में आ पाए, और उसके बाद आप ये जर्नी को यहां तक सक्सेसफुली कवर कर पाए, अपने मिशन के इतने क्लोज पहुंच पाए। बट जब आपने एग्जाम देने जाना है, तो वहां पर ना तो आपका टीचर आपके साथ होगा, ना आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, ना आपका कोई मेंटोर आपके साथ होगा। वहां पर आप उनसे अलग होके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो भी आपने इतनी पूरी मेहनत की है उसका फाइनल आउटकम देने जाओगे। सो उसके बाद लैंडर मॉड्यूल अलग होकर एक, जो आप कह सकते हो, सॉफ्ट लैंडिंग, एक सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा मून के ऊपर, और फाइनली उस लैंडर मॉड्यूल के अंदर से जो निकलेगा वो आप खुद होगे एज अ सिविल सर्वेंट। बट वो चीज तभी होगी जब वो जो लैंडिंग भी होगी आपकी, वो एक सॉफ्ट लैंडिंग, एक सेफ लैंडिंग होगी, एक क्रैश लैंडिंग नहीं होगी। और वो भी आपने कहां से चीजें सीखी होगी, जो बार बार प्रैक्टिस कर रखी होगी, जो बार बार रिविजन की होगी,
बार बार चीजें रिकॉल की होंगी और एफिशिएंटली जब उस दिन एग्जाम के अंदर उनको यूज करोगे तो ही आपकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अगर उस दिन आप नर्वस हो गए, पैनिक हो गए, अच्छे से प्रैक्टिस में कहीं कमी रही हुई, तो कहीं ना कहीं क्रैश लैंडिंग हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स। चंद्रयान टू में हमें पता है कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अल्टीमेटली क्रैश लैंडिंग हो गई थी, बट इसरो ने हार नहीं मानी। वापस से इसरो ने सारे के सारे चीजें एनालाइज की कि कहां कमी हो सकती है, उन सारी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम किया और दोबारा एक फ्रेश ट्राई की और अगेन इस बार डेफिनेटली एक सक्सेसफुल लैंडिंग होगी। इसी तरह से कभी आप किसी अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल हो जाते हो किसी भी स्टेज पे, चाहे इस प्रोसेस के दौरान वापस गिर जाते हो, चाहे इस प्रोसेस के दौरान, चाहे इस प्रोसेस के दौरान फाइनली, बट आपको उस केस के अंदर भी एक बार पूरा मॉनिटर करना होगा कि कहां पे मेरा एक्चुअल जो है लैक रहा है स्ट्रेटेजी के अंदर, प्लानिंग के अंदर, प्रेपरेशन के अंदर, कहीं भी हो सकता है, बट आपको बिल्कुल निचले लेवल से एक बार एनालिसिस करना होगा, फिर उसको पिन पॉइंट करो, उसको टारगेट करो, उसको कवर करो, सो डैट अगली बार जो लैंडिंग है आपकी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आप अपनी प्रेपरेशन जर्नी को चंद्रयान 3 की जो जर्नी है उसके साथ रिलेट कर सकते हो, और बहुत अच्छे से चीजें रिलेट हुई हैं। मेरा इस सेशन को बनाने का एम ये था कि एक तो हम चंद्रयान 3 को थोड़ा सा समझ लेंगे, इसके थ्रू आपको ये भी समझ में आ गया कि चंद्रयान 3 किस तरह से पूरा अपना मिशन अकम्प्लिश करेगा, थोड़ा सा वो समझ लेंगे। साथ ही आप UPSC का जो आपका प्रिपरेशन का पूरा प्रोसेस है उसको भी समझ लोगे, और ये भी समझ लोगे कि किस तरह से आप इवॉल्व करते हो इस प्रिपरेशन जर्नी में, और फाइनली आपको अपने डेस्टिनेशन तक किस तरह से पहुंचना है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।